सो वेल बच्चों, अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग बच्चों? स्टे होम स्टे सेफ। तो इस बार बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड के एग्जाम को लेके ना, जो लेटेस्ट अपडेट है बच्चों उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, एमपी बोर्ड ने क्लास 10th एंड 12th दोनों के एग्जाम इस ईयर क्या कर दिए बच्चों? पोस्टपोन कर दिए। मतलब इस साल ना तो 10th बोर्ड के एग्जाम होने वाले ना 12th बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो मैंने बच्चों आपको ये बता दिया था कि 10th का जो रिजल्ट बनाया जाएगा वो किस पैटर्न को फॉलो करके बनाया जाएगा। मैंने आपको बताया यूनिट टेस्ट की मार्किंग क्या होगी, प्री बोर्ड की मार्किंग क्या होगी, ठीक है, यूनिट टेस्ट से कितने कितने परसेंट लिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 10th का रिजल्ट तैयार होगा। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले बच्चों, क्योंकि 10th का एग्जाम पहले ही कैंसिल कर दिया था एमपी बोर्ड ने, और अभी हाल ही में, ठीक है, उन्होंने किसका एग्जाम कैंसिल करा? 12th क्लास का। तो 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है एमपी बोर्ड के, वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर, अगर 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए तो रिजल्ट किस बिहाफ पर प्रिपेयर किया जाएगा? तो एमपी बोर्ड बच्चों जो फॉर्मूला तैयार कर रहा है वो लगभग सीबीएसई के पैटर्न का है। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने देखा 10th में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, 10th में आपके मार्क्स कैसे आए हैं, और 11th के आपके फाइनल के मार्क्स, 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स, और बच्चों जो आपका प्री बोर्ड हुआ है स्कूल में, ठीक है, फाइनल वाला जो आपका प्री बोर्ड हुआ उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो इसका वेटेज लिया जाएगा बच्चों, है ना। जैसे मान लो 40% आपका इसका होगा, या किसका, आपका 10th क्लास का ले लिया, 40% बच्चों आपका किसका ले लिया, 11th क्लास का ले लिया, 20% आपका किसका ले लिया बच्चों, प्री बोर्ड का ले लिया। तो इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा, 40, 40 एंड 20 आपका 100% बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आपकी, मतलब 10th की मार्कशीट की वैल्यू बच्चों, 11th की मार्कशीट की वैल्यू, और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपने दिए हैं अपने स्कूल्स में, ठीक है बच्चों, उसके बिहाफ पर क्या होगा आपका फाइनल रिजल्ट 12th क्लास का पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड का। बहुत जल्दी एमपी बोर्ड इसका ऑफिशियल लेटर भी रिलीज कर देगा कि मार्किंग का परसेंटेज कितना कितना रहेगा, किस तरीके से मार्किंग दी जाएगी। जैसे 10th का रिलीज करा था बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक कि 10th का वेटेज किस तरीके से दिया गया है मार्किंग का, और मार्कशीट किस तरीके से प्रिपेयर होगी, तो वो देख लेना। मैं आपको IAM में मतलब टैग करके दे दूंगा इस वीडियो के साथ, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही अपडेट आती है एमपी बोर्ड की तरफ से, ठीक है, कि किस तरीके से 12th का, मतलब ये तो उन्होंने बता दिया है कि हम 10th का मार्कशीट के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, 11th के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, और प्री बोर्ड के मार्क्स लेने वाले हैं, लेकिन वेटेज क्या होगा बच्चों, है ना, कितना परसेंटेज कहाँ से लिया जाएगा, ठीक है बच्चों, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही ये ऑफिशियली रिलीज किया जाता है एमपी बोर्ड की तरफ से, मैं आपको वीडियो बना के तुरंत दे दूंगा उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो बच्चों, तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।